वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार दोस्तों, यूपी में कानून व्यवस्था के मायने अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। कल तक जिन माफियाओं का टेलीफोन आने पर लोगों के पजामे गीले हो जाते थे, आज उनके चेहरे खौफजदा हैं। जो लोग जेल में बैठकर अपनी सल्तनत चला रहे थे, जैसे अतीक अहमद, अब जब उन्हें साबरमती जेल से बाहर लाने की कोशिश की गई या उनको लाया गया, तो उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। इससे पूर्व उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी कि उसे यूपी ना भेजा जाए। कारण साफ था, खौफ उसके चेहरे पर था, उसे दहशत थी। उसे एक दहशत इस बात की भी थी कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए जैसा विकास दुबे के साथ हुआ था। जाहिर है, यूपी की कानून व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं, उसका श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। श्रेय कुछ ऐसा कि अब बदमाश और माफिया खौफ खाते हैं। अतीक ने अर्जी लगाई, उसके पीछे कारण यही था या यही समझा गया कि अपराध वो यूपी में करेंगे लेकिन बाहर की जेलों में बैठकर। उसकी बहन ने भी आशंका जताई कि कहीं उसके भाई का आज एनकाउंटर ना हो जाए। तमाम लोग भी आज बराबर ये देखते रहे कि अतीक का काफिला किस रास्ते से गुजर रहा है, और रास्ते में एक गाय टकराई तो ये लगा शायद कुछ होना चाहिए। आशंका के चलते काफिले के पीछे आ रही बहन ने कहा कि एनकाउंटर का यूपी में ज्यादा डर है। देखिए, एनकाउंटर की आशंका है। अभी भी आपको लग रहा है यूपी दाखिल हो चुके हैं काफिला? अब तो ज्यादा डर है। आपको लगता है एनकाउंटर होगा? बिल्कुल आशंका है एनकाउंटर की। दोनों भाई मेरे अशरफ विधायक जी को भी ला रहे हैं। तो आपको लेकिन यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है? आपको बरेली जेल से अशरफ को भी ला रहे हैं। हम लोग मैडम, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, ये मांग किया था कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए। बिल्कुल, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आई है, जो आपने भी देखा, आप लगातार काफिले में मौजूद हैं। क्या सुरक्षा तो पूरी नहीं है, तो अभी क्यों डर है? लेकिन एनकाउंटर की आशंका है। उधर रास्ते में अतीक अहमद के काफिले की वैन से एक गाय की टक्कर लगने से मौत हो गई। इसे भी अब शकुन माना जा रहा है। देखिए, अब पता नहीं कौन सी इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन, मेरठ।